टिडी दिल का जो है ये हमला हुआ है, इसके लिए क्या हिफाजती इकदाम जो है वो क्या काश्तकारों को करने चाहिए? देखिए जी, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पंजाब में इसका तजर्बा पिछले 5-6 महीने से किया जा रहा है। ये बलूचिस्तान से उड़ के सिंध के रेगिस्तान और पंजाब के चूलिस्तान में आया था। वहाँ पे महकमा ज़राअत ने वफाकी हुकूमत के साथ मिल के इसको कंट्रोल किए रखा है, लेकिन ये बॉर्डर के दोनों तरफ मौजूद है, इसलिए अब ये वापसी की तरफ जा रहा है ऐसे इलाकों में जहाँ पे ये अंडे दे सके। और काश्तकार और महकमा ज़राअत के कारकुन इसकी जो माइग्रेशन है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ, कुछ ग्रुप जो हैं वो लोकल एरिया में लैंड करते हैं। अभी तक काश्तकारों ने देखा है कि इसका कोई नुकसान नहीं है, इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि जहाँ पे इसकी लैंडिंग हो वो करीबी ज़री कारकुन को इतला भी दें। हम जाके कोशिश करेंगे कि अगर ये नुकसानदेह है तो उसको मैनेज करें, लेकिन ये मैं बताता चलूं कि हमारी फसलों के ऊपर अभी तक कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ है। अच्छा, ढोल के बारे में कहा जाता है कि जी इसकी ढोल की थाप पर जो है शोर से इसकी भगाया जाए, क्या ये हकीकत है ये इसमें? नॉर्मली जब लैंडिंग करता है तो लैंडिंग से रोकने के लिए लोग इस किस्म की एक्टिविटीज करते हैं, तो जाहिर है कि इसका एक पैनिक होता है कि शायद ये फसलों में बैठेगा और नुकसान करेगा। ये डेजर्ट लोकस्ट है, डेजर्ट लोकस्ट, और डेजर्ट लोकस्ट हमारी फसलों के लिए फिलहाल कोई नुकसानदेह नहीं है। हाँ, जहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन लैंड करेगी वहाँ पे इसका कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए काश्तकार भाइयों से गुजारिश है कि जहाँ जहाँ इसकी लैंडिंग नज़र आए तो वो महकमा ज़राअत को ज़रूर इतला दें। मेजर जो फ्लॉक हैं उसके गुजर चुके हैं, अलबत्त पीछे से अभी राजस्थान, बीकानेर और पंजाब के भी कुछ इलाकों से इसकी अराइवल हो सकती है। उस हवाले से महकमा ज़राअत के तमाम तोसी कारकुनों को यहाँ हमने इकट्ठा किया है ताकि उनको आगाही दे सकें, जिम्मेदारों के साथ मिलकर काम करें ताकि हम किसी किस्म के नुकसान। महकमा ज़राअत जो है इनके हिफाजत के लिए जो है काश्तकारों की क्या इकदाम कर रही है? हम जहाँ पे ये सोर्स है वहाँ पे हमने जहाज़ों के जरिए, वहाँ पे हमने गाड़ियों के ऊपर बड़ी स्प्रे मशीन लगा के चूलिस्तान में 40,000 लीटर से ज़्यादा का पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया ताकि हम उसे वहाँ से ना निकलने दें। और अभी भी हमारी कोशिश है कि जहाँ पे ये ज़मीन पे बैठे और अगर वो नुकसानदेह है वहाँ पे तो हम उसको मैनेज करें।